दूसरा, अमृत दा असर किवें गुम हुंदा है? जिस धरती नूं पहलां वाह के सुहाग के हर प्रकार तैयार करके बीज पात्र बनाया जांदा है, उसे धरती अंदर बीज बोया फलीभूत हो सकदा है, अते बीज बो के जे उस धरती नूं जिस विच के बीज बोया गया है भली भांत सिंचिया संवारिया गोडिया ना जावे, तां शुद्ध धरती विच बीजिया बीज भी सुक जांदा है। इसे प्रकार शुद्ध पात्र प्राणियां नूं छकाया होया अमृत भी जे अमृत छक के गुरबाणी अते गुरमत नाम अभ्यास दी कमाई ना कीती जावे, तद अपनी पूरन जोत प्रकाशनी अमृत कला विच अस्थित नहीं कर सकदा अते नित नवी चढ़दी कला विच फलीभूत नहीं हुंदा। इसे अमृत कला नूं रखण रखाउण लई अमृत जाग लाउण समय अर्थात अमृत छकाउण समय पंजां प्यारिआं वल्लों श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे हाजरा हजूर जहूर प्रभाव तले खास जरूरी गुरमत उपदेश दृढ़ाए जांदे हन। जे उकत गुरमत उपदेश नूं नहीं कमाया जावेगा तां अमृत कला किवें सुरजीत रह सकेगी? अमृत छकाउण समय स्पष्ट तौर ते उपदेशिया जांदा है कि फलाणे फलाणे पतित कर्म हन, ए नहीं करने। इन्हां दे करन करके अमृतधारी सिंह पतित हो जांदा है अर्थात सिक्खी तों गिर जांदा है, सिख नहीं रहिंदा। तां ते अमृत समागम समय अजिहे उपदेशां दा दृढ़ाया जाना ही सिद्ध करदा है कि अमृत छक के भी उकत उपदेशां उत्ते दृढ़ रहे बिहूण अमृतधारी सिंघां दा अमृत छांदा छक के अमृत कला तों कुथ जाना अते सिक्खी तों पतित हो जाना संभव है, नहीं तां उपदेश दृढ़ाउण दी लोड़ कोई नहीं सी। बस अमृत छकण सार ही जेकर अमृतधारी सिंह बहुड़ गुर उपदेश कमाए बिहूण बनिया रहिंदा है अते डिगदा डोलदा नहीं अते उसदे पतित होण दा कोई खदशा नहीं रहिंदा, ता अमृत समागम समय केवल अमृत ही छकाया जांदा अते होर गुरमत उपदेश कोई ना दृढ़ाया जांदा। गुरबाणी अंदर गुरमत नाम अभ्यास कमाईयां करन दा उपदेश गुरसिखां प्रति है, ना के असिखां प्रति। निगुरे गुरमंत्रहीणस जो प्राणी धृगंत जन्म भ्रिष्टणै, पुरश तां पहलां ही पतित हन, तिन्हां नूं पतित दशा तों उभारन अते निगुरयों सगुरा करन दा इक्को इक जरिया उन्हां नूं अमृत छका के सुरजीत करना है अते अमृत छक के अमृतधारी सिंह सिख दा सदा सुरजीत ते त्यार बर त्यार रहना केवल इसे सूरत विच ही संभव है कि ओ अमृत छकण समय दृढ़ाए गुर उपदेशां उपर तत्पर रहे अते खिन खिन गुरमत नाम अभ्यास कमाईयां करदा रहे। जेकर अमृत छकण सार हर एक अमृतधारी सिख सिंह पूरन अमर पदवी नूं प्राप्त हो गया हुंदा तां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी समगर बाणी बारंबार अमृत नाम दे संचन संग्रहण करन दा उपदेश ना दृढ़ाउंदी।